बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम सेवियर स्कूल सिस्टम और वेलकम टू न्यू क्लास। आप 10th क्लास का कोर्स आज से पढ़ना शुरू करेंगे। 10th क्लास के कोर्स में हमारे पास जो यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं वो यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में आपने जो यूनिट पढ़े हैं वो तकरीबन 8 यूनिट आपने पढ़े हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि 10th क्लास में हम यूनिट नंबर 9 से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आज यूनिट नंबर 10 से पढ़ाना शुरू करूंगी। उसकी वजह यह है कि यूनिट नंबर 9 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी क्वेश्चंस हैं और मैथमेटिकली काफी सॉल्व हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह जब आपके स्कूल खुलेंगे तो वो यूनिट मैं आपको तब करवाऊंगी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे। फिलहाल मैं यूनिट नंबर 10 से आपका कोर्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। आज के लेसन में मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगी इस यूनिट के हवाले से, और साथ में ये बताऊंगी कि एसिड क्या है और बेस क्या है और क्या चीज हम यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है और उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ये आपका फ्रंट पेज है चैप्टर का, यहाँ से आपका यूनिट स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो सही पढ़ने वाली चीज है वो नेक्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन। ओके, इस स्लाइड में आपके पेज नंबर 24 है, इसमें आपके पास दिया हुआ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी फूड आइटम्स आर सोर, कितने किस्म के खाने हैं जो कि जायके में खट्टे होते हैं। इन टेस्ट लेमन्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट। अच्छा, जायके में लेमन्स हो गए, ऑरेंज, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गए, और साथ में जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उन सबका जायका जो है वो क्या होता है, खट्टा होता है। दिस सोर टेस्ट इज ड्यू टू एन एसिड कॉल्ड सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन देम। अच्छा, इसे क्यों खट्टे होते हैं, ये एसिड की वजह से खट्टे होते हैं, जिस एसिड को सिट्रिक एसिड कहा जाता है जो इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये था एसिड। अब बेसिस के बारे में, अल्कलीज, जितने भी अल्कलीज हैं वो सारी बेसिस हैं, बेसिस को आप अल्कलीज भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हैव बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच, इनका जायका जो है वो कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा, और अगर आप इनको टच करें तो ये सोप की तरह स्मूथ होंगे, ठीक है। व्हेन यू वॉश योर हैंड्स विद सोप और ब्रश योर टीथ विद टूथपेस्ट, यू आर यूजिंग अ बेस, और जब आप अपने हाथ धो रहे होते हैं साबुन के साथ या आप ब्रश कर रहे होते हैं टूथपेस्ट के साथ तो आप क्या यूज कर रहे होते हैं, बेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वेयर एज साल्ट्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जबकि जो नमक है वो क्यों कैसे बनता है, वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस तो क्या बनता है, नमक। टेबल साल्ट, बेकिंग प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द साल्ट्स विच आर कॉमनली यूज। अच्छा, आम जो नमक है जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं या बेकिंग के लिए जो आप बेकिंग सोडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेकिंग प्रोडक्ट में, वो सारे कुछ नमक की किस्में हैं जो आमतौर पर यूज होती हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस पीएच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड साल्ट्स एंड इट्स टाइप। इस यूनिट में आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में, पीएच क्या है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और साल्ट क्या है और उसकी किस्में क्या है, ठीक है, ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके नीचे आपको यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये आप देखिए कुछ तस्वीरें बनी हुई है साथ में उनके एसिड के नाम और साथ में सोर्स का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ से आपको मिल सकता है, ये सोर मिल्क में मौजूद होता है, जो खराब दूध होता है ना उसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। उसके अलावा मैलिक एसिड आपको एप्पल्स और पियर्स में मौजूद है, वहां से मिल सकता है, वहां उनके अंदर मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड आपको लाइम्स और लेमन्स में मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड आपका इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपके पास स्पाइनेज यानी पालक के अंदर होता है, और टैट्रिक एसिड आपके पास ग्रेप जूस के अंदर मौजूद होता है, और कार्बोनिक एसिड आपके पास कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है उनके अंदर मौजूद होता है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज्यादा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं समझा जाता।
तो आगे आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंट एसेट के नाम लिखने हैं और उनका सोर्स लिखना है, तो वो यहाँ से आपने लिख लेना है। एसेट्स के नाम लिखने हैं एक कॉलम में और फिर साथ में उसके सोर्स लिख लेने, यानी कि वो किस किस चीज में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके इस पेज में बस यही कुछ बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका पेज है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस दिया, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है एसिड और बेस की। ठीक है, तो द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मीन्स सोर। एसिड हैव सोर टेस्ट, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये एक लातीनी जबान का लफ्ज है एसिडस, जिसका मतलब है खट्टा जायका, खट्टा। ठीक है, और इसका जो है खट्टा जायका होता है एसिड का। और ये क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को ये किस में बदल देता है, रेड कलर में बदल देता है। अब ये लिटमस पेपर क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होता है, इससे आप चीज को देख सकते हैं कि ये आया ये एसिड है या ये बेसिस है, बेस है। ठीक है, तो ये चेंज कर देता है कलर उसका इंडिकेटर का। दिस रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड, ये आपको एक ये पिक में दिखाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे इसके पास लिटमस पेपर नहीं पकड़ा हुआ है, इसके पास पीएच पेपर पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो पीएच पेपर का कलर इसने चेंज कर दिया इंडिकेटर, इसने ये विनेगर में सिरके में डिप किया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी कोरोसिव, डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड कॉज बर्न टू द स्किन। ठीक है, अगर आप पानी वाला सोल्यूशन बनाएंगे एसिड का, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा सख्त है, कोरोसिव गला देने वाली चीज को, ये आपके कपड़ों को खराब कर सकते हैं, आपकी स्किन को जला लेते हैं। ज्यादा सख्त एसिड को हाथ नहीं लगाते। उसके अलावा आपके पास बेसिस हैं और अल्कलीज हैं। अ बेस इज एनी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली। इन एक्वस सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ओके, यहाँ ये बात लिखी हुई है कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्ट करे ना एसिड के साथ, तो वो क्या बनाए, नमक और पानी बना ले। ठीक है, तो फिर आप समझ जाए कि वो क्या चीज है, वो बेस है। ठीक है, तो बेस एक ऐसी चीज है जो कि जब हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, ऐसी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है बेस, जो कि जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे और पानी और नमक बना ले, तो वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, वो बेस होगी। ठीक है, और ये जो है, ये जितनी भी बेस जो पानी में हल हो जाती है उसको आप अल्कली कहते हैं। ठीक है, और पानी में जब ये हल होती है तो ये हाइड्रोक्सल आयन बनाती है, OH आयन। ठीक है, प्रोड्यूस करती है। सारी जो अल्कली है वो बेसिस होती है, लेकिन सारी बेसिस अल्कली नहीं होती। ठीक है, सारी पानी में डिजोल्व बेस नहीं होती, सिर्फ कुछ होती हैं, जो होती हैं वो अल्कली होती हैं, और जितनी भी अल्कली मौजूद है वो सारी बेस कहलाती हैं। आगे मैं आपको, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, सिंपल सी है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने स्कूल के नंबर पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में मतलब कि कैसी हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है बेस की। तो बेस हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी टेस्ट, फील सोपी, उस बेसिस उसकी कड़वा जायका है, और साथ में उसका फील जो है ना सोप की तरह का, सोपी टच, नरम सा टच है उसका फील। जब उसको करें तो उसका टेक्सचर बड़ा मुलायम सा, नरम सा होता है, सोप की तरह। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, अगर आप इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, वही बात है, ये इंडिकेटर का कलर चेंज कर देता है। और दिस रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड, ये आपको दिखाया हुआ है इस तस्वीर में, बुक के पेज नंबर 23 पे। ये इन्होंने डिप किया इंडिकेटर, एक स्ट्रिप डिप किया तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, पीएच पेपर डिप किया। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कोरोसिव होती है, चीज को गला देती है। ठीक है, और करंट भी इनमें से गुजर सकता है, अगर पानी के अंदर मिक्स हो ये तो उसके अंदर से करंट गुजर सकता है। ये आपके लिए मैंने एक पिक्चर डाउनलोड किया है, इसमें आपको ये पीएच पेपर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो येलो कलर की स्ट्रिप्स है ना, ये पीएच पेपर है। इस पेपर को आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करें तो इसका कलर बदल जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, इसका कलर बदल गया है। ठीक है,
फिर उस कलर को आप यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, पीएच स्केल बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो जो भी कलर होता है उसके नीचे नंबर दिया होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि जो सोल्यूशन है ना इसकी पीएच कितनी है। 7 से जो अबव है वो सारे अल्कली होंगे, ठीक है, मतलब के बेस होगी, और जो सारे 7 से जो बिलो नंबर है वो सारा एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह आप पीएच चेक कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की पीएच पेपर की मदद से, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाता है कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना वीक है, ठीक है, और इसकी नंबरिंग भी आपको पता चल जाती है, ठीक है। जो सॉइल होती है, मट्टी होती है, या ये पानी होता है, ये 7-8 ना ये एसिड होते हैं ना ये बेसिक होते हैं, तो उनकी 7-8 होती है। बाकी जो एसिडिक चीजें होती हैं उनकी 7 से कम होती हैं, और जो बेसिक चीजें हैं उनकी 7 से ऊपर पीएच होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने तस्वीर दिखा दी, अब आपको पता चल गया होगा कि पीएच पेपर कैसा होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, इस्तेमाल करके कि किस तरह यूज होता है, ठीक है। सिंपल से बस इसको स्ट्रिप को डिप करते हैं सोल्यूशन में, तो ये अपना कलर बदल देती है, उस कलर को फिर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे एक बीकर है जिसमें एसिड मौजूद है, और इस बीकर में जो है ना ये लिटमस पेपर डिप किया है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, एसिड के लिए ब्लू लिटमस पेपर यूज करना है, ये डिप किया तो इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दिया है, ठीक है। तो जो एसिड होता है ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर लेता है। ये आपके पास बेस है, इस बीकर में बेस है, यहाँ पे आपने रेड लिटमस पेपर डिप किया, तो ये देखें इस रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया, तो ये इंडिकेटर है, ये लिटमस पेपर है। की डब्बी सी होती है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, हमारी लैब में भी मौजूद है, इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अंदर इस तरह की स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लू लिटमस पेपर आपने एसिड के लिए यूज करना है, और रेड लिटमस पेपर आपने बेस के लिए यूज करना है। जब आपने देखना होगा कि एसिड है तो आप ब्लू वाले लिटमस पेपर डिप करेंगे वो रेड में बदल जाएगा, और जब आपने बेस देखनी होगी तो आप रेड वाला लिटमस पेपर होता पिंक, थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, लेकिन इसको रेड लिटमस पेपर बोलते हैं। तो ये आपको मैंने तस्वीर दिखा दी, अब आपको समझ आ गई ये कैसा नजर आता है, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, ये आपको पेज नंबर 24 पर एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत आसान एक्टिविटी है, रिएक्शन ऑफ लेमन जूस एसिड और बेकिंग सोडा के रिएक्शन आपने देखना है। इसके लिए आपके यू विल नीड आपने एक बैलून, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, लेमन जूस, बेकिंग सोडा आपको चाहिए। इंस्ट्रक्शंस क्या है जी, आपने क्या करना है कि स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू स्ट्रेच आउट द बैलून टू मेक एज इजी एज पॉसिबल टू इन्फ्लेट। आपने अपने जो बैलून आपने लिया है उसको थोड़ा सा खींचना है, स्ट्रेच करना है, ताकि वो जो है इजी आसान इन्फ्लेट हो जाए, ठीक है, ताकि जब उसमें हवा जाए तो वो थोड़ा सा आसानी से अपना शेप चेंज कर ले। पोर द लेमन जूस इन टू द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, आपने लेमन जूस डालना है खाली बोतल में, बॉटल में, और फिर आपने बेकिंग सोडा जो है वो बैलून के अंदर एड द बेकिंग सोडा इन टू बैलून, बैलून के अंदर आपने बेकिंग सोडा डाल लेना है। पुट द बैलून ओवर द माउथ ऑफ द बॉटल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। फिर आपने क्या करना है कि जो बैलून का जो ओपनिंग है उसको आपने बॉटल के ऊपर लगा देना है, तो आप देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जब जाहिर बात है जब वो बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करेगा लेमन जूस के साथ तो गैस बनेगी, ठीक है, और वो आपका बैलून जो है वो फूल जाएगा। ये आपने देखना है कैसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके जी, आपकी असाइनमेंट एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखनी है आपने, बहुत आसान सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैंने बताया, जहाँ पे एसिड बेस का टॉपिक है वहां से आपने लिख लेनी डेफिनेशन, और साथ में आपने नाम लिखने हैं कुछ एसिड्स के, और साथ में वो एसिड्स कहाँ से हमें मिलते हैं वो सोर्स, जो पहले पेज नंबर पे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कुछ एसिड्स हैं उनके साथ उनका जो उनके सोर्स हैं वो साथ ही लिखे हुए, कौन से फ्रूट्स हैं या कौन सी चीजें हैं वो आपने लिख लेनी है। एक कॉलम बना लेना है, एक साइड पे आपने एसिड के नाम लिखने और दूसरी साइड पे सोर्स लिख के वहां पे उसके सोर्स लिख देने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपने टीचर को इजाजत दें, फी अमान अल्लाह, थैंक यू।